हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं विस्टास बुक का फोर्थ चैप्टर, दैट इज द एनिमी एंड विच इज रिटन बाय पॉल्स एस बक। ये स्टोरी हमें बताती है एक जापानीज डॉक्टर के बारे में, जिसने कि अपने दुश्मन एक अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई। इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके नेशन में, जापानीज एंड अमेरिकन की वॉर हो रही थी, बट देन एज वेल अपने प्रिजुडाइजेस से ऊपर उठकर अपने रिस्क पे, अपने करियर की वजह से उसने किस तरह से एक अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई और उसे कैसे अपने कंट्री वापस भेजा। ये स्टोरी है एक कन्फ्लिक्ट के ऊपर, कन्फ्लिक्ट डॉक्टर के माइंड में जो कि नेशन ने डाला था, और एक कन्फ्यूजन के बारे में कि एक डॉक्टर ने कैसे अपनी पेट्रियाटिज़म और अपने करियर को कैसे इक्वली बैलेंस किया। ये स्टोरी है 1941 जापान की, जब अमेरिका और जापान की वॉर चल रही थी और जापानीज़ और अमेरिकन्स एक दूसरे के खून के प्यासे थे अपने देश के लिए। ये स्टोरी है ह्यूमनिज्म पे, कि किस तरह से अपने प्रिजुडाइजेस और बैरियर्स को हम क्रॉस करके अपने एनिमी को भी प्यार से, पीस से, सिंपथी से, फीलिंग्स के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर दे सकते हैं, किस तरह से इंसानियत ला सकते हैं हर प्रॉब्लम को क्रॉस करते हुए। बिफोर गेटिंग इन द चैप्टर, लेट्स लर्न अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज डॉक्टर सदाओ हुकी, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, दैट मीन्स मेन करेक्टर ऑफ द चैप्टर, एंड ही इज़ द जापानीज डॉक्टर। सेकेंड इज डॉक्टर सदाओज फादर, हु इज़ ट्रू पेट्रियाटिक पर्सन। हाना, डॉक्टर सदाओज वाइफ। टॉम, एंड अमेरिकन प्रिजनर whom was saved by Dr. Sadao Huki, the old journal whose name is Journal Takema, an officer, Gardner, Yumi, the cook. Gardner, Yumi, the cook are the servants of Dr. Sadao. And the place is the house of Dr. Sadao near a narrow beach. Dr. Sadao is a Japanese surgeon hai, जो कि अपनी पढ़ाई अमेरिका से कर आए हैं। उनकी वाइफ हाना भी उन्हें अमेरिका में ही मिली थी, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के फादर चाहते थे कि वो एक जापनीज़ गर्ल से मैरिज करें, तो उन्होंने हाना से ये प्रॉमिस किया था कि वो तब तक उससे मैरिज नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो एक ट्रू जापनीज़ गर्ल है। ये वो टाइम है वर्ल्ड वॉर टू का, जापान एंड अमेरिका वो द स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑफ ईच अदर एंड फाइटिंग ईच अदर। वहाँ की जो जर्नल थे, जर्नल ताकेमा जापान के, उन्हें एक डेंजरस डिजीज़ हो गया था एंड जो कि ट्रीट हो रहे थे डॉक्टर सदाओ से। एक शाम जब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ अपने घर के बालकनी में खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि सी में से कुछ बाहर आया है। पहले वो सोचते हैं कि ये फिशरमैन है, बट जब उसे वो टर्न करते हैं, वो देखते हैं ये एक अमेरिकन नेवी मैन है जिसे कि गोली लगी है, बहुत सारे ज़ख्म हैं एंड ये मरने वाला है। पहले दोनों ने ये सोचा कि हम इसे पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसे ठीक करेंगे तो ये एक अनपेट्रियाटिक एक्ट होगा, अपने देश के खिलाफ जाने वाला एक्ट होगा। बट क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन में एक प्लेज लिया था, प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी नीडी की हेल्प करेंगे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर लेकर जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक गलत काम कर रहे थे, एक अनपेट्रियाटिक एक्ट कर रहे थे, तो उनके सर्वेंट्स को जब ये पता चला कि अमेरिकन प्रिजनर उनके घर पे ठहराया गया है, तो वो सब काम छोड़कर चले गए। डॉक्टर सदाओ के मन में भी एक डर आ गया था कि अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाएगी, तो इसलिए वो पहले ही जाकर जर्नल ताकेमा को ये चीज़ बता देते हैं कि उनके घर में एक अमेरिकन प्रिजनर ठहरा हुआ है एंड वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जर्नल ताकेमा ने उनसे एक प्रॉमिस किया था कि वो अपने प्राइवेट मैन भेजेंगे जो कि उस अमेरिकन को किल कर देंगे, मार देंगे, और उसकी बॉडी को भी कहीं भी सेटल कर देंगे एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाओ के घर पर आया था। क्योंकि जनरल ताकेमा बीमार होते हैं, वो भूल जाते हैं, एंड डॉक्टर सदाओ खुद ही ट्रीटमेंट कर अमेरिकन प्रिजनर को उसके घर वापस भेज देते हैं। डॉक्टर सदाओ को एक ट्रू ह्यूमन की लाइफ के बारे में पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी की क्या कीमत है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होता है। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि मैं अगर इसे ना मरवा कर, इसका मर्डर ना करवा कर, अगर इसको सही कर मैं इसके देश भेज देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर एक्ट होगा। तो जब डॉक्टर सदाओ अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर ले आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसे रखना कहाँ है। तो डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन प्रिजनर को रखते हैं अपने फादर के रूम में, क्योंकि खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा
नीट एंड क्लीन लवो पर्सनालिटी है तो उसे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसके वाइट बेड लाइनिंग्स, वाइट बेडशीट ख़राब हो जाती है उस अमेरिकन प्रिजनर के ब्लड एंड डर्ट की वजह से। एंड जब वो उसकी सर्वेंट यूमी को बोलती है उसे क्लीन करने के लिए, तो उस चीज़ पे देखते हुए यूमी उसे डिनाई कर देती है, उसे मना कर देती है ये बोलकर कि आज तक मैंने ना ही किसी अमेरिकन को हाथ लगाया है एंड ना ही मैं कभी लगाऊंगी। और दोनों में कहासुनी हो जाती है एंड यूमी काम छोड़कर चली जाती है एंड सो एज उनके दोनों सर्वेंट्स भी चले जाते हैं। तो जिस दिन अमेरिकन प्रिजनर को वो अपने घर लाए होते हैं उसके 7th डे सभी सर्वेंट्स काम छोड़कर चले जाते हैं एंड उसी दिन ही एक ऑफिसर आता है जो कि जर्नल ताकेमा भेजते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि शायद सर्वेंट्स ने जाकर उनकी कंप्लेन कर दी है और ये ऑफिसर हमें अरेस्ट करने के लिए आया है। बट बेसिकली वो ऑफिसर डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए आया होता है क्योंकि जर्नल ताकेमा बीमार होते हैं एंड इस टाइम पर जाकर डॉक्टर सदाओ जर्नल ताकेमा को सब बात बता देते हैं एंड देन ये सब प्लान करते हैं कि उसको कैसे मर्डर करना है। बट इन द एंड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर सदाओ उसको ठीक करके भेज देते हैं। डॉक्टर सदाओ कुछ सामान भेजते हैं टॉम के साथ में, अमेरिकन प्रिजनर के साथ में, जैसे कि कुछ पानी की बॉटल, खाने पीने की चीज़ें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉर्च देते हैं। टॉर्च इसलिए ताकि वो दो बार फ्लैश करे एंड डॉक्टर सदाओ को पता चल जाए कि उसके पास खाना ख़त्म हो गया है। एंड उसको एक जापानीज़ ड्रेस पहनाते हैं, किमोनो, ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक अमेरिकन है। एंड अपनी एक स्टाउट बोट देते हैं जिससे वो सेल करके पास के आइलैंड पे चला जाता है एंड वहाँ से कोरियन फिशरमैन उसे अपने साथ अमेरिका पहुँचा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो विद द कम्प्लीट डिटेल्ड स्टोरी, प्लीज़ डू मैसेज मी। थैंक यू सो मच।